नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरके ऑडियो चैनल में। और दोस्तों, काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि कोई मिडी कीबोर्ड के बारे में बताइए। और बहुत सारे जो होम स्टूडियोज जिन लोगों ने बना रखे हैं, जो अपना घर में बैठ के एक म्यूज़िक प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक चीज़ आई है अपने पास, खास चीज़ जो आइकॉन का मिडी कीबोर्ड, आइकॉन 3X, जो बहुत ही शानदार कीबोर्ड है और काफ़ी कम बजट में कीबोर्ड आपको मिल जाता है मार्केट में आसानी से। और अगर आप इसको मार्केट से ना खरीद के अगर सीधा यहाँ से खरीदना चाहते हैं आरके ऑडियो से, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर, वहाँ पे आप संपर्क करके ये कीबोर्ड आप मंगवा सकते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, ये कीबोर्ड कैसा है, तो आज चलो करते हैं इसको अनबॉक्स। इसकी अपन अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है अपने को। दोस्तों काफी मतलब इसको पैकिंग भी बहुत शानदार तरीके से किया है। अगर आप बाहर कहीं मंगवाना चाहते हैं तो मतलब टूटने फूटने का कोई डर ही नहीं है, मतलब इतना इसको मजबूत करके कंपनी ने भेजा है। तो दोस्तों, ये अपना कीबोर्ड और इसके साथ अपने को क्या क्या मिलता है। अपने को मिल रही है एक यूजर मैनुअल और इसके साथ ये आइकॉन का बहुत ही शानदार। दोस्तों, इसमें अपने को मिल रहा है एक तो यूजर मैनुअल, जिसमें खास तौर से हम हिंदुस्तानियों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यूजर मैनुअल हम लोग यूज़ नहीं करते। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें सारे जो भी फीचर है इस कीबोर्ड के अंदर, वो सारे इसमें बढ़िया तरीके से दर्शाए हुए हैं। आप आराम से इसको घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। और दोस्तों, इसके साथ अपने को मिलता है एक DVD, जिसमें इसके ड्राइवर्स हैं और काफ़ी चीज़ें और होंगी इसमें, कुछ ट्रैक भी मिलते हैं मिडी कीबोर्ड के साथ, हो सकता है इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट भी हो। तो दोस्तों, अब आते हैं अपन सीधा अनबॉक्सिंग पे। तो बहुत ज़्यादा पैकिंग किया हुआ है इसमें, तो चलिए दोस्तों इसको एक बार यहाँ से हटा लेते हैं, देख लेते हैं मिडी कीबोर्ड में अपने को क्या मिल रहा है। तो दोस्तों, ये है अपना एक छोटा सा कीबोर्ड, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया लुक दिया इसका। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि अपने को मिडी कीबोर्ड के साथ इसमें एक डो कंट्रोलर सरफेस भी मिल रहा है। डो कंट्रोल सरफेस मतलब कि आप अपने म्यूजिक को प्रोड्यूस करने में इसको काम में ले सकते हैं बहुत बढ़िया से। और दोस्तों, एक खास बात जो है वो है इसका टच फेदर, मतलब कि वॉल्यूम आप यहाँ से टच करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा बात, इसमें फ्लिप का ऑप्शन मिल जाता है अपने को, और यहाँ से चैनल राउटिंग अपने डो कंट्रोल का जो है चैनल को एक नंबर चैनल, दो नंबर चैनल सेलेक्ट करने के लिए, और दोस्तों 8 चैनल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से 8 का प्रेस कर सकते हैं, 8 को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, रिवाइड भी कर सकते हैं, और ये मास्टर को कंट्रोल करने के लिए। और दोस्तों, ये है इसमें म्यूट का ऑप्शन, जिस भी ट्रिक पे आप काम कर रहे हो उसको आप म्यूट भी कर सकते हो, उसको सोलो करके सुन सकते हो, और उसमें कुछ रिकॉर्ड करना है तो यहाँ से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। और ये दोस्तों अपना पिच जोग, यहाँ से आप पिच शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग भी एड कर सकते हैं इसमें। और पेन का स्विच दिया हुआ है, पेन का वैसे तो आप सभी को पता ही है लेफ्ट और राइट का जो काम करता है पेन। इसके साथ अपने को मिलता है रीड और राइट का, अपन इसमें ये जो अपना है इसमें अपन रीड और राइट मतलब अपने 8 प्रोग्राम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। रिवाइंड का ऑप्शन मिल जाता है अपने को, फास्ट फॉरवर्ड का मिल जाता है, और लूप प्ले करने का ऑप्शन मतलब एक लूप अपन कंटिन्यू प्ले कर सकते हैं इसमें। और अपना स्टॉप का बटन है, प्ले का भी है, यहाँ से आप प्ले भी कर सकते हो, पोज भी कर सकते हो। ये रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है अपने को, और ये ट्रांसपोज का, अगर आप किसी स्केल को ट्रांसपोज करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें 25 की दी हुई है, आप
आगे के स्केल से कुछ बजाना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रांसपोज कर सकते हैं किसी भी स्केल को। बहुत सारे जो लोग हैं जो सी इसको ना मान के यहाँ से बजाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और पिच शिफ्ट का मिल जाता है अपने को एक ऑप्शन और एक ये पिच मॉड्यूलर। दोस्तों इसमें एक खास बात जो है वो ये है कि अपने को इसमें एक सिस्टम का ऑप्शन भी मिल जाता है और एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन अपने को मिल जाता है। अपन इसमें अगर आप पेडल यूज़ करना चाहते हो तो आप इसमें पेडल भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये अपना मिडी आउट का, अगर आप अपने ऑडियो इंटरफेस में सीधा डायरेक्ट मिडी के थ्रू इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हो। और ये अपना यूएसबी के माध्यम से इसको कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसमें मिलता है अपने को 7 वोल्टेज का पावर सॉकेट, इसमें आप 7 वोल्टेज डीसी इनपुट करा सकते हो। लेकिन एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 7 वोल्टेज कनेक्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे यूएसबी थ्रू इसमें वोल्टेज पहुँच जाता है। आप सीधा डायरेक्ट यूएसबी से प्ले कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे अपने को मिल जाता है पावर ऑन ऑफ का स्विच और यहाँ पे आइकन का लोगो दिया हुआ है। तो दोस्तों ये आइकन कंपनी का जो प्रोडक्ट है वैसे अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है। दोस्तों ये बहुत अच्छा, वैसे माना जाए तो देखा जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है आइकन, और आइकन के बहुत सारे अपने को सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यही अपने के लिए एक खास प्रोडक्ट है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर आप इस चैनल में नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और किसी भी भाई को म्यूजिक से संबंधित किसी भी चीज़ का अगर कोई इश्यू हो, कोई चीज़ की अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो वो बंदा अपने से डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार का माइक, हेडफोन, डो या फिर कुछ भी अगर ऑडियो वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर खरीदना चाहते हो तो अपने चैनल पे आइए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं अपने स्टूडियो के और कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, तो आप सीधा वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं किसी भी आइटम को। धन्यवाद।